हवालदार सिंह और उनके साथ उनकी सौभाग्यवती को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा और उसी के साथ ग्वालियर से वो आए हुए हैं, इसकी सभी लोग जानकारी ले लें, सभी भावी जानकारी ले लें और कथे का जो नारियल है वो दे रहे हैं 2/10/2012 ये तारीख है। श्रीमद् भागवत कथा का वो भागवत कथा का वो ग्वालियर में आयोजन कर रहे हैं 2/10/2012 इस तारीख को और मैं चाहूँगा कि सभी दर्शकों ने इसकी सूचना दर्शक ले लें कि श्री हवालदार सिंह और उनकी सौभाग्यवती इन्होंने ग्वालियर यहाँ पर भागवत सप्ताह का उन्होंने आयोजन किया है अक्टूबर 2, 2012 में। तो मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत इंद्रदेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज के जो आरती के यजमान है
भी कभी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा खुद का कोई लाभ हो। दूसरों के लिए करते रहो, कितना भी करते रहो, 24 घंटे में कभी न कभी ये पैर थम जाता है हिलने से, 24 घंटे हवा देता है पर कभी न कभी रुक जाता है। चाहे घंटे रुको, 2 घंटे रुको, आधा घंटे रुको, पल रुको, मिनट रुको, पर रुकता है, थमता है। और वो निजी सोच पैदा करता अंदर से। अब गाय भले ही दूध देती रहती है पर कभी न कभी कंट्रोल करती है उस चीज को, थम जाता है दूध उसके आंचल से, रुक जाता है। और जब उसके आंचल से दूध रुकता है तो उसका परमार्थ रुक जाता है, उसका धर्म भी ब्रेक लेता है, क्योंकि वो अपने लिए जीना चाहती है। उसे पता है अगर मैंने खुद के लिए कुछ समय नहीं निकाला तो आगे चल के मैं परमार्थ नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरों को कुछ नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मुझे ऊर्जा करनी पड़ेगी, मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो आप कितना भी प्रपंच बड़ा कर लो, कितना भी लंबा चौड़ा घर बना लो, मकान बना लो, फैक्ट्री बना लो, दुकान बना लो, और कितना भी बड़ा प्रमोशन प्राप्त कर लो सर्विस में, और अपने गांव में कितनी भी बड़ी कीर्ति प्राप्त करो, देश में कीर्ति प्राप्त कर लो, पर ये सब चीजें जो होती हैं ये आदमी को लूज करती है, हल्का बनाती है। कुछ ऐसा समय हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो, ताकत आए, बल आए। जीवन में बहुत सारे बल होते हैं, एक बल ऐसा होता है जो मन को शुद्ध करता है, ताकत देता है, उसे मानसिक बल कहते हैं। एक बल ऐसा होता है जो बुद्धि को शुद्ध करता है, उसे बौद्धिक बल कहते हैं। एक बल ऐसा होता है जो शरीर को शुद्ध करता है, उसे शारीरिक बल कहते हैं। एक बल ऐसा होता है जो आत्मा को शुद्ध करता है, उसे आत्मिक बल कहते हैं। एक बल ऐसा होता है जो धन को शुद्ध करता है, उसे आर्थिक बल कहते हैं। एक बल ऐसा होता है जो समाज को शुद्ध करता है, उसे सामाजिक बल कहते हैं। ये 6 बल होते हैं, 6 शक्तियां हैं, 6 ताकत हैं। और इन 6 ताकतों को, इन 6 बलों को जो प्राप्त कर लेता है वो मनुष्य कहा जाता है। उसे मनुष्य कह लो, देवता कह लो, उसे भगवान कह लो, आपको जो चाहिए सो कह लो। देखो ये मंडप में कई फोटो आप देख रहे होंगे, ऐसे हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनकी आरती उतारते हैं, जिनके ऊपर अगरबत्ती लगाते हैं, दीप बत्ती लगाते हैं, जिनका मंदिर सजाते हैं। मंदिर हम क्यों सजाते हैं उनका? इसीलिए सजाते बलस्य योगे तनूनाम षष्ट बल युक्ताः। उनके पास में परमात्मा की बनाई हुई कीर्ति है, परमात्मा का बनाया हुआ बल है, इसीलिए हम वो सब पालते हैं। और हमें एक सूखी माला का फोटो नहीं बनाना अपना, जिस पे सूखी माला चढ़ाई जाती है। आपके घर में कोई मरा हुआ आदमी होगा, दादाजी, मामा जी, नानी जी, उसका फोटो आपके घर में लगा होगा, उसके ऊपर एक लकड़ी की छिलके की माला पहनाई जाती है और वो हमेशा लटकी रहती है। हमारे मरने के बाद वो माला हमें नहीं चाहिए। ऐसी माला का सौभाग्य पैदा करो, ऐसी कीर्ति बनाओ, ऐसा यश बनाओ जिसकी वजह से हमारे ऊपर हर रोज ताजा फूल चढ़ाया जाए, हमारे लिए एक मरने के बाद एक घर बनाया जाए। जिंदे पर सब लोग बनाते हैं, मरने के बाद आपका घर बने, आप चले गए, आपने शरीर बदल लिया, आपके माता पिता बदल गए, आपके परिवार बदल गया, तो ये सब चीजें हमें समझने की है। यदो गतम न दर्शितम पुण्य योगे अमृतम।